गुड इवनिंग डॉक्टर्स, कैन यू हेयर मी? ओके, इट्स 8:29. विल बी स्टार्टिंग विद इन अ मिनट टुडे सेशन ऑन 8:30, दैट इज डीलिंग विद बैकएक फ्रॉम एरन्स की नोट. डोंट मिस इट, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. In the meantime, let other people join. Few seconds more to start today's session. Very good evening, Dr. Shaila Sultana and Dr. Shivani. Very good evening, Dr. Vaishali Devi, Dr. Vanna Gangwar. Be with me. We'll be starting session soon. Just waiting others to join. चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट कर, लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर पूजा ठाकुर एंड डॉक्टर दीपमाला जगताप एंड यस शिवानी. ओके सर, काइंडली टेक क्लास फॉर डीयूबी आल्सो. ओके, तो विल टेक क्लास ऑन डीयूबी सून. ओके, सो टुडे सेशन इज डीलिंग विद बैकएक फ्रॉम एलन्स कीनोट. सो हियर इज द एलन्स कीनोट. मी डॉक्टर एपीएस छाबड़ा विद यू टुडे. And here it is. So, सबसे पहले आपको मेडिसिन दिख गई है एक्टिया रेसिमोसा. थोड़ा सा एक जनरल इंट्रो मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, बट अपन बात कर लेते हैं. सो एज वी ऑल नो होम्योपैथी, व्हाट इज होम्योपैथी? सो होम्योपैथी में अपन बैकएक की बात कर रहे हैं, बट ना कि किसी डिजीज की. सो रिलेटेड टू बैकएक देयर कैन बी मेनी डिजीजेस, एन काइंड ऑफ डिजीजेस. कि बैकएक क्यों हो रहा है, ठीक है, बैकएक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, बट हमें क्या देखना है, हमें सिम्टोमेटोलॉजी देखनी है. एज अ होम्योपैथ हमारे को सिम्टोमेटोलॉजी देखनी है कि क्या सिम्टम्स होने चाहिए पेशेंट में, जिससे कि हम उसको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें और उसको आराम मिले. अच्छा, एक चीज, वन पॉइंट यू शुड नोटिस दैट व्हाटएवर डिजीज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस एज द सिम्टम्स. हाउ? बिकॉज कि डिजीज सही हो सकती है, मीन्स इट इज क्योरेबल और नॉट, इट इज क्योरेबल और इट इज पैलिएटिव. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इन द केस, राइट, कि पेशेंट को जो बीमारी है, जो जिसकी वजह से उसको बैकएक हो रहा है, क्या वो बीमारी पूरी तरीके से सही हो सकती है या फिर सिर्फ हम उसको उस
बैकएक में आराम दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सी बैकएक कैन बी बिकॉज ऑफ द लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डाइलोसिस और PIBD, एंड इतना ही मत समझिए कि बैकएक सिर्फ स्पाइन की डिजीज़ की वजह से ही होता है, बट देर आर अदर केसेस टू जिनमें कि बैकएक होता है, लाइक इन फीमेल, फीमेल्स में भी बैकएक होता है, फीमेल कंप्लेंट्स की वजह से बैकएक होता है, राइट? सो वी नीड टू नो द डिजीज एज वेल, दैट हाउ टू मैनेज इट एंड व्हाट आर द स्कोप एंड लिमिटेशंस इन द केस, एंड व्हाट द एडवाइस पेशेंट को हमारे को जो देनी है, क्या एडवाइस उसको हम करें, सो वो सब के लिए हमारे को डिजीज डायग्नोसिस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है उसमें वो सारी मेडिसिन्स जो कि एलन स्कीनोट में बैकएक के लिए मेंशन है उसको मैंने कंसिडर किया है, और उसको मैंने इस तरीके से लिया है ऑन द बेसिस ऑफ BBCR, बैकएक इज बैकएक। और हम बात करें अगर जॉइंट कंप्लेंट्स की बात करते हैं या फिर किसी पेन की बात करते हैं, बैकएक इज पेन, सो किसी पेन की बात करें, जॉइंट कंप्लेंट्स की बात करें, SC कंप्लेंट्स की बात करें, तो इनमें हमारे को LSMC इंपॉर्टेंट होता है, राइट? लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंस। अगर ये चारों चीजें हमें मिल रही हैं देन आर केस इज परफेक्ट, राइट? देन वी कैन इजीली ट्रीट दैट केस विद अ मेडिसिन कंसिडरिंग ऑल दी 4 पॉइंट्स, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंस। तो हम आज उसी चीज को लेके चल रहे हैं कि क्या क्या मेडिसिन में कैसा सेंसेशन होता है, क्या मोडेलिटीज हैं और उसके साथ में क्या कॉन्कॉमिटेंट्स हैं। आई ऑलवेज से मेरे सेशन के साथ में नोटबुक रखिए, रखा करो, साथ में पेन रखा करो, जिससे कि अपन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नहीं भी मेंशन है तो उसको नोट कर सकें, एंड यू आर फ्री टू टेक स्क्रीनशॉट्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है? बट रेफरेंस दिया करो कि कहाँ से आपको वो चीज मिली है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो एंड हेलो ऑल, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद एक्टिया रेसिमोसा। एक्टिया रेसिमोसा अनदर नेम सिमिसिफुगा, एज वी ऑल नो दिस इज अ रूमेटिक मेडिसिन, रूमेटिज्म में बहुत अच्छा काम करती है। तो सेंसेशन कैसा है, कंप्लेंट इज बैकएक वी आर टॉकिंग अबाउट, सो सेंसेशन इज रूमेटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो स्पाइन है वो अफेक्टेड है। इसलिए एक बार लास्ट पॉइंट पे जाइए सेंसेशन में, जहां पे कि आपको बोल रहा है स्पाइन सेंसिटिव, स्पाइन सेंसिटिव, हेयर इट इज स्पाइन सेंसिटिव। तो नेक से लेकर बैक तक की पूरी बात कर रहा है, तो अगर पूरे में कहीं ना कहीं पेन है तो एक्टिया रेसिमोसा कैन बी द मेडिसिन। कैसा है, स्टिफनेस है, स्टिफनेस। पेशेंट हमारे को बहुत सारी डिजीजेस के साथ में हमारे को आके कंप्लेंट करते हैं कि स्टिफनेस है, गर्दन मोड़ने में और कमर में ऐसा दर्द होता है कि मैं काम नहीं कर पाती, मैं झुक नहीं पाती, मैं चीजों को उठा नहीं पाती, दैट इज स्टिफनेस। लेमनेस, कॉन्ट्रैक्टेड, वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ सेंसेशन, वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ पेन इन आर मिट्रिया मेडिका। मोडेलिटीज, सो एक्टिया रेसिमोसा में क्या मोडेलिटीज मिलेंगी, सो यूजिंग आर्म्स इन स्विंग, कोई कपड़ा वगैरह सिल रही है उस टाइम दर्द होना, टाइप राइटिंग, पियानो प्लेइंग, मीन्स अल्टीमेटली आप देखिए कि पेन कहाँ है, बैक में है, पेन कहाँ है, नेक में है, और किस वजह से बढ़ रहा है, हाथ के इस्तेमाल से, हाथ के इस्तेमाल से, ठीक है? सो हाथ के इस्तेमाल से बढ़ रहा है तो रूमेटिक पेन्स जो हैं वो चाहे स्विंग हो, चाहे टाइप राइटिंग हो, चाहे पियानो प्लेइंग हो, उन वजह से बढ़ रहा है, ये नोट डाउन करिए। अगर ये सब हमारे को मिलता है देन द मेडिसिन इज एक्टिया रेसिमोसा। इसके अलावा जब आप बोरिक पढ़ेंगे, इसलिए नोटबुक रखवाता हूं, नोट करिए, जब आप बोरिक पढ़ेंगे तो अगर ऐसे सिम्टम्स
हमारे को और भी मेडिसिन में मिल सकते हैं, नो डाउट. बैकफोस इज अ मेडिसिन जिसमें सेम सिम्टम्स आपको मिलेंगे और पेशेंट को रिलीफ भी आएगा. बट ऐसे ही सिम्टम्स इफ दे आर एसोसिएटेड विद द यूट्राइन कंप्लेंट्स, डू प्रिस्क्राइब एक्टिया रेसिवोसा. यू हैव नो नीड ऑफ अदर मेडिसिन. एक्टिया रेसिमोसा इज द मेडिसिन वेयर देर इज बैकएक ऑफ दिस काइंड ऑफ रूमेटिक काइंड, वेयर देर इज सेंसिटिवनेस इन द स्पाइन एंड एसोसिएटेड विद द यूट्राइन कंप्लेंट्स, द फीमेल कंप्लेंट्स एंड माइंड भी. हम जानते हैं एक्टिया रेसिमोसा का पेशेंट को लगता है मैं पागल हो जाऊंगी. सो कॉन्कॉमिटेंट्स में ये चीजें लिखी नहीं क्योंकि एज सच एलेंस की नोट में उसको कॉन्कॉमिटेंट नहीं लिखा गया है. बट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन जो अगर पेशेंट में मिलता है तो नो डाउट हमारे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है. ठीक है, तो जो लोग एक्टिया रेसिमोसा के माइंड के सिम्टम्स लिख सकते हैं डू राइट इन द लाइव कमेंट्स. लिखिए एक्टिया रेसिमोसा के माइंड के सिम्टम्स लिखिए. ठीक है, सो दिस वॉज एक्टिया रेसिमोसा इन द केस ऑफ बैकएक. मूविंग टू द नेक्स्ट मेडिसिन इज एस्क्युलस हिप्पोकेस्टिनम. एस्क्युलस हिप्पोकेस्टिनम, If you have taken my old sessions, so there I told you that piles with backache. यहाँ concomitant से mention नहीं किया मैंने क्योंकि मैंने कहा ना as such Allen's keynote में नहीं लिखा. But piles with backache, the medicine is Aesculus hippocastinum. अगर piles की complaint है, main complaint is not a backache, but the main complaint is piles, hemorrhoids. और हिमेरॉइड्स के साथ में अगर बैकएक मिल रहा है तो रदर प्रिस्क्राइबिंग एनी अदर मेडिसिन, नक्सोमिका, नाइट्रिक एसिड, सल्फर, रेटेनिया, एनी अदर मेडिसिन, डू प्रिस्क्राइब एस्क्युलस, यू विल गेट द रिजल्ट. सो वैसे बैकएक के क्या सिम्टम्स है? सेंसेशन इज सिवियर डल बैकएक इन लंबो सेक्रल आर्टिकुलेशन, मोर और लेस कॉन्स्टेंट अफेक्टिंग सेक्रम एंड hips. So, sensation कैसा है? Dull backache in lumbo sacral articulation, more or less affecting sacrum and hips. एक मिनट, स्क्रीन नॉट क्लियर सर. ओके, देखते हैं एक बार. चलिए एक बार देखिए, नोट करिए साथ के साथ में, कोशिश करते हैं स्क्रीन क्लियर होती है तो. सो सीवियर डल बैकएक इन लंबो सेक्रल आर्टिकुलेशन, ये अगर लिख रहा है मिट्रिया मेडिका में, इट मींस देयर कैन बी अ डिजीज ऑफ द लंबो सेक्रल आर्टिकुलेशन. स्पेशली देयर आर डिजीजेस वेयर देयर इज कॉल्ड सेक्रलाइजेशन ऑफ लंबर वर्टिब्रा. MRI में साफ साफ लिखा होता है सेक्रलाइजेशन ऑफ लंबर वर्टिब्रा, मतलब वो लंबर वर्टिब्रा नहीं रह के वो सेक्रल में कन्वर्ट हो रही है. वहां पे इंटरवर्टिब्रल जो स्पेस है वो कम हो रहे हैं और बोन्स आपस में ज्वाइंट हो रही है, मूवमेंट जो है बैक पे वो कम हो जाएगा. द मेडिसिन एस्क्युलस, बैक गिव्स आउट. मेरी तो कमर टूट गई. जो फीमेल्स लैंग्वेज बोलती है, मेरी तो कमर टूट गई, दैट इज बैक गिव्स आउट. और एक बार कंकॉमिटेंट्स की तरफ जाइए तो देखिए, प्रेगनेंसी है, प्रोलेप्सस है, ल्यूकोरिया है, फीमेल कंप्लेंट्स, प्रेगनेंसी, प्रोलेप्सस, ल्यूकोरिया, बैक गिव्स आउट, मेरी तो कमर टूट गई, इतनी वीकनेस है वहां पे. और वीकनेस किस वजह से है? ल्यूकोरिया की वजह से है. प्रोलेप्सिस है क्योंकि वहां की बोन्स अफेक्टेड है, साथ के साथ वहां की मसल्स भी अफेक्टेड है. और प्रेगनेंसी की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है बैक पे, दैट कैन बी द रीजन हियर. इसके अलावा सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, भारीपन लगता है, हल्का हल्का सा दर्द हमेशा रहता है, दिस इज द सिम्टम इन द एस्क्युलस. पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन, पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग्स और स्पाइन, हाथों में, पैरों में और स्पाइन में, जैसे जान नहीं बची. सो बैक गिव्स आउट, मेरी तो कमर टूट गई, जान नहीं बची, ये पेशेंट की लैंग्वेज होगी. पेशेंट डायरेक्ट आके थोड़ी बोलेगा, डॉक्टर साहब माय बैक गिव्स आउट,
पेशेंट ये लैंग्वेज नहीं बोलेगा, पेशेंट क्या बोलेगा कि मेरे तो जान नहीं बची, मेरे हाथों पैरों में जान नहीं है, मेरे से मूव नहीं किया जाता है, ठीक है, मेरे से झुका नहीं जाता है, आगे नहीं झुका जाता, पीछे नहीं झुका जाता, और साथ में क्या है, बैक गिव्स आउट, मेरी तो कमर टूट गई। दिस इज दी लैंग्वेज मोडेलिटीज। वॉकिंग, चलने पे दर्द होता है, स्टूपिंग, झुकने पे दर्द होता है, इसलिए तो नहीं झुका जा रहा, ज्यादा झुकेगी तो दर्द और ज्यादा होगा, राइट। मस्ट सिट और लाई डाउन, या तो बैठ जाए या लेट जाए, काम करेगी, वॉक करेगी, झुकेगी, क्योंकि कोई सामान उठाएगी, कोई भी काम करेगी, झुकना पड़ेगा, तब दर्द होगा। कॉन्कॉमिटेंट्स, प्रेगनेंसी, प्रोलेप्सस, लिकोरिया एंड यस पाइल्स, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट, अर्जेंटम मेटेलिकम, अर्जेंटम मेटेलिकम, वेयर देयर इज सेंसेशन पेन इन बैक एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये रेडिएशंस जो है, ये रेडिएटिंग पेन है, दिस डिफर्स द मेडिसिन, दिस डिफर्स द मेडिसिन। आई थिंक एक्चुअली फॉन्ट साइज बहुत छोटे रह गए हैं, या फिर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, बट इज माई वॉइस क्लियर, येस और नो? तो नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, पेन इन बैक एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। कमर में ऐसा दर्द होता है जो कि आगे की तरफ और नीचे की तरफ जाता है, दिस इज अर्जेंटम मेटेलिकम। कंकॉमिटेंस, इसके साथ में प्रोलेप्सस है, प्लस पेन इन लेफ्ट ओवरी, पेन इन लेफ्ट ओवरी। तो अर्जेंटम मेटेलिकम में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट इतना है कि ऐसा दर्द जो कि आगे और नीचे की तरफ जाता हो, साथ में या तो प्रोलेप्सस की कंडीशन है या फिर लेफ्ट ओवरी में पेन है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट मेडिसिन इज बर्बरिस वल्गेरिस। अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे, बैक पेन, बैक पेन। सो बैक पेन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू स्पाइन, नॉट ओनली रिलेटेड टू लंबर वर्टिब्रे, बट ऑल्सो रिलेटेड विद द किडनीज। सो पेन इन स्मॉल ऑफ बैक, एक छोटे से एरिया में दर्द होता है, दैट इज बर्बरिस वल्गेरिस। वेरी सेंसिटिव टू टच इन रीनल रीजन। कहाँ दर्द हो रहा है, हाथ लगा के बताओ, पेशेंट हाथ लगा के बताता है, जैसे ही आप हाथ लगाने जाते हो, नो 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 डॉक्टर साहब, नो, बहुत दर्द, बहुत दर्द, दिस इज बर्बरिस वल्गैरिस। सो वेरी सेंसिटिव टू टच इन रीनल रीजन, एग्रावेशन बाय जार, लिखा हो ना, एग्रावेशन बाय जार, जार मीन्स जरा सा, हल्का सा भी टच, एग्रावेशन सिटिंग, एग्रावेशन लाइंग, एग्रावेशन फटीग, दिस इज बर्बरिस वल्गैरिस। एंड इफ यस इट इज एसोसिएटेड विद द रीनल स्टोन्स, आरामदेह, बर्बरिस वल्गैरिस फॉर श्योर आरामदेह, ठीक है। एज वेल बर्बरिस वल्गैरिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन इन केसेस ऑफ कॉली लिथियसिस, गॉल स्टोन कॉलिक, गॉल स्टोन कॉलिक की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेन रिलीवर बहुत अच्छी। बर्बरिस वल्गेरिस एक्चुअली में स्टोन निकालने में कभी मदद नहीं करती है, कभी नहीं करती है बर्बरिस वल्गेरिस, ना ही किसी तरीके का गॉल स्टोन निकालती है, ना ही किसी तरीके का रीनल स्टोन निकालती है, ऐसा कहीं भी अपने लिटरेचर में मेंशन नहीं है, बट काम क्या करती है, पेन रिलीव करती है, उनका जो दर्द है उसमें आराम आता है, ये हमेशा ध्यान रखो आप। रिसेंटली देर वॉज अ केस, 8 मंथ प्रेग्नेंट लेडी, एंड कॉलीलिथियसिस का बहुत भयंकर पेन था विद कॉलीसिस्टाइटिस, फ्यू डोजेस ऑफ बर्बरिस वल्गैरिस 30 एट अ पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स, 3 डोजेस, पेशेंट को आराम आने लगा, फिर हाफ एन आवर में एक डोज रिपीट किया गया, देन पेशेंट स्लेप्ट, SLEP वाला स्लेप्ट, ओके। सो पेशेंट सो गई, आराम आ गया, सुबह फिर से, मतलब उसको पेन में रिलीफ आ गया, बट आप सोचो कि उससे गॉल स्टोन निकल जाएगा, वो एक्चुअली बर्बरिस वल्गैरिस का काम नहीं है, ना रीनल स्टोन निकालना काम है, ना ही गॉल स्टोन निकालना काम है, रदर इट एक्ट्स टू ऑन रिड्यूसिंग पेन, ये ध्यान रखिए।
ठीक है। नेक्स्ट, क्यूपिटोरियम परफोलिएटम, इसमें एक ही सेंसेशन है अगर हम बात करें बैक से रिलेटेड, तो बोन पेन्स अफेक्टिंग बैक एज इफ डिसलोकेटेड। बस इतना सा इंडिकेशन दिया हुआ है एलन्स की नोट में कि बोन पेन्स अफेक्टिंग बैक एज इफ डिसलोकेटेड। सो हमेशा हमेशा इस एलएसएमसी में अगर पूरा नहीं हो तो जो दूसरे सिम्टम्स हैं मेडिसिन के उनको कंसिडर करिए, उनको वेरीफाई कीजिए, देन प्रिस्क्राइब। सो ऐसा बोन पेन उसको लगता है हड्डी वहां से खिसक गई है, दैट इज डिसलोकेटेड। नेक्स्ट, हेमेमेलिस वर्धनिका, एज इफ बैक वुड ब्रेक, टूट जाएगी, टूटी नहीं है, टूट जाएगी, बेरिंग डाउन पेन इन बैक, बियरिंग डाउन पेन इन बैक। साथ में जैसा कि एस्किलस में है हिमेरॉइड्स, वैसे यहां पे भी हिमेरॉइड्स, हिमेरॉइड्स ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली विद बर्निंग सोरनेस फुलनेस हैवीनेस अर्जिंग टू स्टूल ब्लूइश कलर एनस फील्स सोर एंड रॉ। सो एज वी ऑल नो ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, ब्लीडिंग डायथिसिस है हेमेमेलिस का। इफ यू वॉन्ट कि ब्लीडिंग रुक जाए जल्द से जल्द, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट नर्वस है उस ब्लीडिंग को लेके, देन हेमेमेलिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन। हेमेमेलिस, फॉस्फोरस, एस्कुलस, नक्सवामिका, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स की बहुत अच्छी ब्लीडिंग है। नक्सवामिका इज फॉर बोथ ब्लाइंड हेमोरॉइड्स एंड ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, बट हम यहाँ बैकेक की बात कर रहे हैं। गेट बैक टू इट, तो एस्क्यूलस और हेमेमेलिस में जब हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? एस्क्यूलस का पेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, पेन। मैंने हेमेमेलिस कभी हेमेराइड्स विद बैकेक में यूज करी नहीं है, बट अगर चांस मिले तो उसको यूज करके देखिए, अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। उसको यूज करिए कि एस्क्यूलस कैसा काम करती है और हेमेमेलिस कैसा काम करती है, और हेमेराइड्स कैसे हैं, ब्लीडिंग है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, साथ में बर्निंग होती है, हैवीनेस होती है, फुलनेस है, अर्जिंग टू स्टूल, जल्दबाजी होती है स्टूल जाने की, साथ में ब्लूइश कलर, और एनस कैसा फील होता है, सोर एंड रॉ, मतलब वहां पे एक दर्द है, एक छिला छिला सा लगता है, दैट इज सोरनेस एंड रॉनेस। इसके अलावा बैकेक विद यूट्राइन हेमरेजिस, तो जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में बात करी कि जरूरी नहीं है स्पाइन की डिजीज है, बट देयर आर यूट्राइन डिजीजेस, यूट्राइन फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, जिनमें भी ए टिपिकल सिम्टम इज बैकेक। सो यूट्राइन हेमरेज एक्टिव और पैसिव, फ्रॉम जॉल्टिंग वाइल राइडिंग ओवर रफ रोड्स, दिस वॉज हेमेमेलिस वर्जिनिका। नेक्स्ट, कैली कार्बोनिकम, कैली कार्ब फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन इन केस ऑफ बैकेक। इफ यू आर नॉट गेटिंग रिलीफ इन एनी ऑफ द केस, हर तरीके का आपको सिम्टम, हर तरीके की मोडलिटीज, हर तरीके का कॉन्कॉमिटेंट आपको कैलिकार में जरूर मिलेगा। तो इफ यू आर फेलिंग इन एनी अदर मेडिसिन डू प्रिस्क्राइब कैलिकार। एंड आई एज आई ऑलवेज से द थ्री कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, द टाइमिंग ऑफ 2 AM टू 3 AM, दैट चिलीनेस एंड दैट वीकनेस ऑफ कैलिकार, अगर आपको मिल रही है तो डू प्रिस्क्राइब इट। तो बैकेक है, वायलेंट बैकेक है, वॉन्ट्स द बैक प्रेस्ड। अगर आपने देखा हो तो देखा है या अपने घर में देखा हो कि होता है कि फीमेल्स क्या करती हैं, अगर कमर में दर्द होता है तो घर के बच्चों को बोलती हैं मैं लेट जाती हूँ, मेरे ऊपर एक बार खड़ा हो जा, ठीक है, होती है ये चीज। अगर आपने घर की दादी नानी या मम्मी को अगर ये देखा है, आपको बोला हो या घर परिवार में किसी ने बोला हो, तो ऐसा होता है। और अगर ऐसा वो फीमेल चाह रही है कि कोई मैं लेटूं और मेरी बैक पे खड़ा और मुझे उस बैकेक में आराम मिलेगा, देन कैली कार्ब इज द मेडिसिन।
पेन इन बैक, बैकेक, वायलेंट बैकेक, वॉन्ट्स द बैक प्रेस्ड, वो जैसे ही वो प्रेस करेंगे बैक को उससे आराम मिलता है, कैली गार्मेन को मिलती है। व्हाइल वॉकिंग फील्स एज इफ शी मस्ट गिव अप एंड लाई डाउन, जब चलती है तो उसको लगता है नहीं, अब और नहीं चला जा रहा, मुझे तो लिटा दो, मुझे ऐसी जगह दो कि मैं लेट जाऊं। दिस इज कैली गार्मेन। मोडेलिटीज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसकी मोडेलिटीज बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। व्हेन स्वेलोइंग, व्हेन ईटिंग, देखिए निगलते वक्त, खाते वक्त कमर में दर्द, कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर ये मोडेलिटी मिल रही है द मेडिसिन इज कैलिकार्ब, अदर सिम्टम्स वेरीफाई कीजिए, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए। बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस मोस्टली हम लोग जब भी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं बैकेक जरूर पूछिए, और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपने देखे हो तो हमारे को ड्यूरिंग मेंसेस मिलते हैं, बट यहाँ पे बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस दोनों है कैलिकार्ब विद द मेडिसिन। साथ में कॉन्कॉमिटेंट्स, लेबर पेन्स इनसफिशियंट, ईडीडी पास में है, 1 जनवरी की ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 1 जनवरी है, आज 25 दिसंबर है, आज से ही लेबर पेन्स स्टार्ट हो गए, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल लेके चलो, और उसके साथ में बैकेक है, देन द मेडिसिन इज कैलिकार्ब। फिर वापस ले आते हैं हॉस्पिटल से, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा तो डिलीवर हुआ ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड लेबर पेन्स इनसफिशियंट, और साथ में वो कमर टूटने वाला कमर दर्द अगर आपको मिल रहा है तो कैलिकार उस समय प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ में स्वेटिंग, वीकनेस, वीकनेस अपन ने पहले ही बात करी, वीकनेस आफ्टर एबॉर्शन, लेबर अगेन फीमेल से रिलेटेड आ रही है, एबॉर्शन के बाद लेबर में मेट्रोरेजिया के केसेस में, जहां हम हेमेमेलिस में भी बात कर रहे थे कि यूट्राइन हेमरेजिस के साथ में कैलिकार, डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे सिम्टम से। नेक्स्ट, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, सिर्फ इतना सा लिखा है पेन इन बैक, बट इसकी मोडेलिटीज बहुत मार्क्ड है, दैट इज रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग एंड द कॉन्कॉमिटेंट इज रीनल कैलकुलाई, क्योंकि रीनल कैलकुलाई का ही पेन है और यूरिनेशन से आराम मिल रहा है, तो मेडिसिन इज लाइकोपोडियम क्लेवेटम, स्पेशली इन केसेस ऑफ राइट साइड, क्योंकि राइट साइडेड मेडिसिन है लाइकोपोडियम, एंड आई एम शेयरिंग माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद यू दैट इन केस राइट साइडेड रीनल कैलकुलाई, लाइकोपोडियम 1 mm रिलीज रैपिडली, बहुत अच्छा काम करती है, यू कैन यूज इट, लाइकोपोडियम 1 mm वन डोज, इट एक्ट्स वेरी वेल इन केसेस ऑफ राइट साइडेड रीनल कॉलिक, सो पेन इन बैक रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग वेयर देयर इज रीनल कैलकुलाई, मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। नेक्स्ट, मैकार्ब, इट इज ओनली मेंशन बैकेट बट कॉन्कॉमिटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, मेंसिस प्रिसेडेड बाय सोर थ्रोट, लेबर लाइक पेन, कटिंग कॉलिक, वीकनेस, चिलीनेस, फ्लोज ओनली एट नाइट और व्हेन लाइंग, सीजेस व्हेन वॉकिंग, तो ऐसी फीमेल्स जिनमें बैकेक हो रहा है और एसोसिएटेड है मेंसेस में, तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वहां इंपॉर्टेंस रखती है इन केस ऑफ मैकार्ब। क्या मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है? सो थ्रोट, पहले पहले गला खराब होता है फिर मेंसेस आते हैं, सो प्रिसीडेड बाय सोर थ्रोट, लेबर लाइक पेन्स, कटिंग कॉलिक, वीकनेस, चिलीनेस, ये सब समझते हैं। नेक्स्ट, फ्लोज ओनली एट नाइट और व्हेन लाइंग, जब लेटी होती है तभी फ्लो होता है, या फिर रात के टाइम को व्हेन लाइंग से ही रिलेट किया गया है, क्योंकि रात के टाइम लेटेगी दिन भर काम करेगी, दिन भर लेटने का समय नहीं मिलेगा, सो आइदर फ्लोज ओनली एट नाइट और व्हेन लाइंग, सीजेस व्हेन वॉकिंग। तो मेंसेस के साथ में हमने पहले भी मेडिसिन देखी, बट यहाँ पे बैकेक की कंडीशन में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मैकार्ब की इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ये मिल रही है देन मैकार्ब इज द मेडिसिन।
एक्यूट केसेस, आई ऑलवेज से एक्यूट केसेस में इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी देर इज नो नीड टू आस्क अबाउट द मेंसेस और ल्यूकोरिया एज सच. पेशेंट 3-4 दिन से परेशान है, कोई किस तरीके की परेशानी हो रही है, आइदर फीवर है, कफ है, कुराइजा है, तो उसमें और गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड कोई नहीं है उसमें सिम्टम, तो आपको मेंसेस और ल्यूकोरिया की हिस्ट्री लेना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है वहां. बट अगर आपको क्रॉनिक केस, तो क्रॉनिक केसेस में आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और ल्यूकोरिया हिस्ट्री पूछनी जरूरी है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग आवर मेडिसिन. एज वी हैव रेड एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को ल्यूकोरिया है 10 साल से हो रहा है, उसने मान लिया ये तो नॉर्मल होता है जी, परेशानी हो रही है, यस ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इज इट फिजियोलॉजिकल और इज इट पैथोलॉजिकल, इज द पेशेंट गेटिंग ट्रबल ड्यू टू दैट. बट 10 साल से अगर वो चीज चल रही है तो वो उसको ट्रबल मानती ही नहीं, तो आपको बताती ही नहीं. बट अगर वो चीज है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी सीवियरिटी है, परेशानी है, तो वो इंपॉर्टेंस रखता है. तो इसीलिए ऐसे ही मैक कार में बैकेक इज एसोसिएटेड विद मेंसेस, बट मेंसेस हिस्ट्री में अगर प्रिसीडेड बाय सोर थ्रोट मिल रहा है, फ्लोज ओनली एट नाइट और ओनली वाइल लाइंग डाउन मिल रहा है, उसके साथ में कटिंग कॉलिक है, लेबर लाइक पेन्स है, वीकनेस है, चिलीनेस है, मैक कार. इसलिए नेक्स्ट इज मैग्म्योर, अगेन मैग्नीशिया ग्रुप. सो मैग्नीशिया ग्रुप बैकेक एसोसिएटेड विद मेंसेस. सो पेन इन बैक एक्सटेंड इनटू थाइस, पेन इन बैक एक्सटेंड इनटू थाइस. तो अगर थाइस तक आ रहा है पेन बैक का, तो मैग्म्योर. एग्रावेशन व्हेन वॉकिंग, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बट Note it down, aggravation when walking. और concomitants क्या है? Concomitants are menses with great excitement at every speed. Menses with great excitement at every speed. Flow is black clotted. Spasm, metrorrhagia, aggravation at night in bed causing hysteria. So again, यहाँ पे इंपॉर्टेंस menstrual history रखती है बैकेक के साथ में. जरा सा भी excitement हुआ किसी भी तरीके का तो flow start हो जाएगा. और flow कैसा है? Black है, clotted है, साथ पे spasm आ रहे हैं. Metrorrhagia का case है. Metrorrhagia means That is called intermenstrual bleeding. दो पीरियड्स के बीच में जो अचानक से ब्लीडिंग हो जाती है, that is metrorrhagia. And aggravation at night in bed. अचानक और रात को फ्लो शुरू हो गया, causing hysteria. साथ में क्या हो रहा है? Hysteria. Hysterical चीजें हमारे को देखने को मिल रही है उस पेशेंट में. This is Magmior. Next, Meddorinum. मेडोरिनम, तो जैसा कि हम पीछे पढ़ के आ रहे थे अभी लाइकोपोडियम में, रिलीव्ड बाय यूरिनेशन, सो मेडोरिनम इज आल्सो एमिलियोरेटेड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, एमिलियोरेटेड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन. सेंसेशन कैसा होता है? सीवियर पेन बैकेक इन रीनल रीजन. रीनल एरिया जो है, उस रीनल एरिया में पेन होगा. Pain in back between scapulae, whole length of spine so to touch. Actia racemosa के बाद में अब मेडोरिनम वो मेडिसिन आई है जिसमें पूरी की पूरी स्पाइन सेंसिटिव है, पूरी पूरी स्पाइन सो टू टच है. स्कैपुला के, दोनों स्कैपुला के बीच में जो पेन हो रहा है मेडोरिनम. लंबर वर्टिब्रे कैसे हैं? लंबर वर्टिब्रे पेनफुल एंड सेंसिटिव टू टच. इसके अलावा नीचे भी पेन है, पूरी स्पाइन में ही पेन है. पेन इन सैक्रम, कॉक्सिक्स एंड बैक ऑफ हिप्स रनिंग अराउंड एंड डाउन लिम्ब्स.
पिछली ही मेडिसिन में हमने बात करी मैगमेयर में रनिंग डाउन थाइस, यहाँ बात करें रनिंग डाउन लिम्स, मींस और नीचे तक वो दर्द जा सकता है। ऊपर से हम बात कर रहे हैं जब हमने बोला कि पेन इन बैक बिटवीन स्कैपुले, मतलब दोनों स्कैपुले के बीच में, फिर हमने बोला लंबर वर्टिब्रे पेनफुल, मतलब वो दर्द और नीचे आया। स्कैपुले के बात करें तो डॉर्सल वर्टिब्रे हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे हैं, उसके बाद में लंबर वर्टिब्रे हैं, फिर वही पेन सेक्रम, कॉक्सिक्स, बैक ऑफ हिप्स, बटक्स में वो पेन आ रहा है, साथ के साथ नीचे लिम्स तक जा रहा है। दैट पेन इज मेडोरिनम, और जहां पे आपको यूरिनेशन से आराम मिल रहा है। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट कि वहां पे वो रीनल कैलकुलस से एसोसिएटेड है, मे और मे नॉट, बट द पेन यहाँ पे मेन जो पेन है वो स्पाइन का है। स्टार्टिंग में हमने बोला सीवियर पेन बैकेक इन रीनल रीजन, दैट कैन बी ऑफ रीनल कैल्कुलाई, बट बाकी का जो पेन हमने बात किया है स्कैपुले के बीच का, लंबर वर्टिब्रे का, सेक्रम का, कॉक्सिस का, नीचे आते तक जो पेन है वो पेन पूरा स्पाइन का है, उसमें यूरिनेशन से आराम मिल रहा है। तो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट लाइकोपोडियम एंड मेडोरिनम, जहां लाइकोपोडियम में हम बात कर रहे हैं कि रीनल कैल्कुलाई का ही पेन है, उसमें यूरिनेशन से आराम मिल रहा है, बट मेडोरेनम का पेन है जहां पे हमारे को रीनल वाले में भी आराम मिल रहा है और बाकी के में भी आराम मिल रहा है। कॉन्कॉमिटेंट मेंसेस विद ग्रेट एक्साइटमेंट एट एवरी स्पीड, ये मैग्मेयर का शायद रिपीट हो गया है ना, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट नक्समोश, एक ही चीज है सेंसेशन बैकेक वाइल राइडिंग इन अ कैरिएज, बस नक्स बॉस्केटा बैकेक वाइल राइडिंग इन अ कैरियज, सिर्फ इतना सा इंडिकेशन है। कहीं पे भी जाती है बाहर गाड़ी में ट्रेवल करती है, वो धचके जो लगते हैं, वो जर्क्स जो लगते हैं, उन जर्क में आप दूसरी मेडिसिन सोचेंगे, नक्स मॉस्केटा भी सोच सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट इज नक्स मॉस नक्स वोमिका, नक्स वोमिका इज बैकेक मस्ट सिट अप टू टर्न ओवर इन बेड। अभी तक हम बोल रहे थे कि कमर में दर्द है, पेशेंट लेटना चाहती है, बट इसमें क्या है, बैकेक मस्ट सिट अप टू टर्न ओवर इन बेड, उठ के घूमना चाहता है पेशेंट, एक पोजीशन में उसे नहीं रहा जा रहा। लंबे को फ्रॉम सेक्सुअल वीकनेस फ्रॉम मैस्टरबेशन, सो हिस्ट्री ऑफ मैस्टरबेशन ड्यू टू विच देर इज बैकेक, द मेडिसिन इज नक्सोमिका, एंड एज आई एम सेइंग कि यस वेरीफाई अदर सिम्टम्स टू देन प्रिस्क्राइब दी मेडिसिन। नेक्स्ट फॉस्फोरिक एसिड, जो हम आर्निका में पढ़ते हैं वो फॉस्फोरिक एसिड, डंडे खाए हो जैसे पुलिस वालों के, सो पेन इन बैक एंड लिम्स एज इफ बीटन, जैसे किसी ने मार दिया हो, ऐसा दर्द होता है, जैसे किसी ने मार दिया हो, पेन इन बैक्स एंड लिम्स एज ए बीटन। तो जब पुलिस वाले डंडे मारते हैं ना पीछे से, तो वो जो दर्द है वो फॉस्फोरिक एसिड को दर्द महसूस होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फाइटोलाका, फाइटोलाका डिकेंड्रा, इंटेंस बैकेक, लेम सोर ब्रूज्ड फीलिंग ऑल ओवर, कॉन्स्टेंट डिजायर टू मूव बट मोशन एग्रावेट्स पेन्स, एंड मोडेलिटीज में भी एग्रावेशन मोशन, इतना बैकेक है, पेशेंट को इच्छा हो रही है कि मैं चलूं, बट चल क्यों नहीं रही, क्योंकि उससे पेन एग्रावेट हो रहा है। डॉक्टर साहब मेरी बड़ी इच्छा होती है मैं चलूं, मैं इधर जाऊं, मैं घूमूं, मैं काम करूं, बट क्या करूं, ये दर्द ने बहुत परेशान कर रखा है। दिस कैन बी द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट, मेरा चलने का तो मन करता है, आप हमेशा पूछते हैं चलते हुए दर्द होता है, हाँ होता है, पर डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कि मैं चलना नहीं चाहती, चलना तो चाहती हूँ लेकिन क्या करूं, इस दर्द की वजह से नहीं चल पाती। दिस इज फाइटोलाका।
नेक्स्ट सुराइनम, सुराइनम बैक है वेयर इट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिनेट फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम. कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिनेट फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, तो जहां पे रेक्टम की इनएक्टिविटी की वजह से कॉन्स्टिपेशन है और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से बैकैक है. सो यस देयर आर केसेस वेयर देयर आर बैकैक एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन. द मेडिसिन इज सोराइनम. नेक्स्ट इज रस्टॉक्स, अ वेरी कॉमन मेडिसिन, वेरी यूज्ड मेडिसिन इन केस ऑफ एनी ऑफ द पेन. रस्टॉक्स, सो बैक पेन बिटवीन द शोल्डर्स ऑन स्वेलोइंग, मोडेलिटी इज ऑन स्वेलोइंग. सो याद कीजिए कैलीकार्ब, कैलीकार्ब और रस्टॉक्स में डिफरेंस करिएगा. वहां का जो बैक पेन है वो लंबोसैक्रल वाला जो बैक पेन है उसमें स्वेलोइंग से एग्रवेशन हो रहा है, और रदर रस्टॉक्स में शोल्डर्स के बीच का जो बैक पेन है वो स्वेलोइंग से एग्रवेट हो रहा है. दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन रस्टॉक्स एंड कैलीकार्ब. कैलीकार्ब के नीचे का जो बैक पेन है जिसको हम LBP बोलते हैं, लोअर बैक पेन, दैट इज एग्रेवेटेड ऑन स्वेलोइंग. बट इन रस्टॉक्स जो शोल्डर के बीच का पेन है वो स्वेलोइंग से एग्रेवेट हो रहा है. इसके अलावा पेन एंड स्टिफनेस इन स्मॉल ऑफ बैक विच इज एग्रेवेशन ऑन सिटिंग, जो कि कॉमन जनरल मोडेलिटीज हैं रस्टॉक्स की, एग्रेवेशन सिटिंग, एग्रेवेशन लाइंग, एमलोरेशन बाय मोशन, एमलोरेशन लाइंग ऑन समथिंग हार्ड. सो यस एग्रेवेशन रेस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रस्टॉक्स. सो रेस्ट ले रहा है पेशेंट, कुछ नहीं कर रहा, मींस बैठे बैठे दर्द हो रहा है, लेटे लेटे दर्द हो रहा है, बट चलता है तो आराम आता है, चलती है तो आराम आता है. अब यहां पे आप फाइटोलका, रस्टॉक्स, ब्राइनिया इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. ब्राइनिया इज एग्रावेशन बाय मोशन, जनरल मोडेलिटी है तो बैकएक में भी मिलेगी. ब्राइनिया एग्रावेशन बाय मोशन, बट ब्राइनिया चलना भी नहीं चाहता क्योंकि उसको मोशन से दर्द है तो वो चलना नहीं चाहता. बट फाइटोलका क्या है, एग्रावेशन मोशन है बट चलना चाहता है, और रस्टॉक्स को आराम मिल रहा है मोशन से तो वो इसलिए चलता है. एक्चुअली में रस्टॉक्स की जो रेस्टलेसनेस है वो बिकॉज ऑफ द एम्यूलेशन बाय मोशन है. और इसके अलावा एक मोडेलिटी और क्या जुड़ती है, वो है एम्यूलेशन लाइंग ऑन समथिंग हार्ड. किसी भी ऐसी हार्ड चीज पे अगर लेटती है तब आराम मिलता है रस्टॉक्स को. नेक्स्ट रूटा जी, रूटाजी इज अनदर मेडिसिन वेयर द मोडेलिटीज आर ऑफ रस्टॉक्स. रस्टॉक्स और रूटाजी की मोडेलिटीज मिलती जुलती हैं. सो बैकेक रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन द बैक, बट यहाँ बैकेक के मामले में क्या है, जनरल मोडेलिटीज मिलती हैं, बट यहाँ बैकेक के मामले में क्या है, रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन द बैक. एक ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, कमर के बल लेटेगी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा. कमर के बल लेटने से कमर का दर्द ठीक होगा तो रूटा जी इज दी मेडिसिन. नेक्स्ट सबाइना, सबाइना, सबाइना हम मोस्टली फीमेल कंप्लेंट्स में याद रखते हैं, तो यहाँ पे फीमेल कंप्लेंट के साथ ही एसोसिएटेड है. सो ड्रॉइंग पेन्स इन बैक, इन स्मॉल ऑफ बैक फ्रॉम सेक्रम टू प्यूबिस इन नियरली ऑल डिजीजेस. हर डिजीज, कोई सी भी डिजीज हो, अगर हमारे को वहां पे सेक्रम से प्यूबिस की तरफ, पीछे से आगे की तरफ अगर दर्द आ रहा है तो मेडिसिन इज सबाइना. ठीक है, पीछे से आगे की तरफ दर्द आ रहा है तो
सबायना, और आगे से पीछे की तरफ जा रहा है तो बताइए, जल्दी बताइए, आगे से पीछे की तरफ, प्यूबिस से सेक्रम की तरफ पेन जा रहा है, सेक्रम से प्यूबिस की तरफ, पीछे कमर दर्द है, उस वो कमर दर्द प्यूबिस पे आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, तो मेडिसिन इज सबायना, बट आगे मीन्स प्यूबिस से सेक्रम की तरफ, आगे से पीछे की तरफ जा रहा है तो क्या मेडिसिन है? 30 सेकेंड्स, एनीवन? मंजरी जी सिकल को और बोल रही हैं, ओके, एनीवन एल्स? याद कीजिए, सबायना इज सेक्रम टू प्यूबिस, विच मेडिसिन इज प्यूबिस टू सेक्रम? सुधीर शर्मा जी, ट्रिलियम, वैशाली देवी, सिमी सिफुगा, ओके, एनीवन एल्स? 10 सेकेंड्स मोर, प्यूबिस टू सेक्रम पेन जाता है तो कौन सी मेडिसिन है? हेयर इट इज, यहां लिखा नहीं है, सीपिया में पेन एक्सटेंड फ्रॉम अदर पार्ट्स टू दी बैक, बट सीपिया इज दी मेडिसिन ओनली जिसमें प्यूबिस से सेक्रम की तरफ पेन जाता है, एंड वेयर देयर इट इज एसोसिएटेड द फीमेल कंप्लेंट्स। पेन एक्सटेंड फ्रॉम अदर पार्ट्स टू दी बैक, किसी भी पार्ट से बैक की तरफ आता है। यस सीमा जी, सबायना पीछे सेक्रम टू आगे प्यूबिस, राइट? सो आगे से पीछे इज सीपिया, सीपिया इज रिवर्स, वेरी राइट, वेरी राइट, नोटेड डाउन, ऑल अदर नोटेड डाउन, सबायना इज पीछे से आगे की तरफ, मीन सेक्रम टू प्यूबिस, एंड सीपिया इज रिवर्स, मीन्स आगे से पीछे की तरफ, प्यूबिस से सेक्रम की तरफ। और यही नहीं, किसी भी पार्ट से अगर बैक में पेन जा रहा है, पेन्स एक्सटेंड फ्रॉम अदर पार्ट्स टू दी बैक, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हो, अभी हम पढ़ रहे थे कि ऊपर से नीचे की तरफ पेन जा रहा है, थाइज में जा रहा है, डाउन द लिम्स जा रहा है, फॉरवर्ड आ रहा है, बट अगर नीचे से ऊपर की तरफ भी दर्द आ रहा है, आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, तो सीपीआई इज दी मेडिसिन। वेरी गुड डॉक्टर सीमा। नेक्स्ट, स्टेफिसेग्रिया, स्टेफिसेग्रिया मोडेलिटीज इंपॉर्टेंट है, सेंसेशन इज बैकएक ओनली, नथिंग एल्स, मोडेलिटीज इज एग्रावेशन नाइट इन बेड, एग्रावेशन मॉर्निंग बिफोर राइजिंग, दीज टू मोडेलिटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द स्टेफिसेग्रिया। एग्रावेशन नाइट इन बेड, बेड में रात के टाइम दर्द होता है, कमर दर्द होता है, या फिर सुबह उठने से पहले होता है, तो दिस इज ऑल्सो इन बेड, एग्रावेशन मॉर्निंग बिफोर राइजिंग, दोनों ही मोडेलिटीज स्टेफिसेग्रिया की बैकएक की है, नोटेड डाउन, एग्रावेशन एट नाइट इन बेड, एग्रावेशन मॉर्निंग बिफोर राइजिंग इज स्टेफिसेग्रिया। नेक्स्ट, जिंकम मेटेलिकम, जिंकम मेट, सो बैकएक कैन नॉट बियर बैक टस्ट, वही चीज, डॉक्टर साहब प्लीज हाथ मत लगाइए, बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, कैन नॉट बियर बैक टस्ट, मोडेलिटीज आर एग्रावेशन फ्रॉम सिटिंग, एम्लियोरेशन बाय वॉकिंग अबाउट, द सेम मोडेलिटीज एज रस्टॉक्स हैव, वेयर रस्टॉक्स फेल्स यूज जिंकम मेटेलिकम, और एक जिंकम मेटेलिकम की खासियत है, उसके पैरों की खासियत है, ऐसा क्या है जिंकम मेटेलिकम में, व्हाट इज द सिम्टम इन द लेग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिंकम मेटेलिकम विच वी कैन डिफरेंशिएट जिंकम मेट विद द रस्टॉक्स having same modalities, that is aggravation from sitting and amelioration by walking about or amelioration by motion. What is that characteristic symptom in zincum metallicum? 10 seconds for this question. ऐसा क्या है zincum metallicum के पैरों में? One of my professor cured a case of allergic rhinitis.
एलर्जिक राइनाइटिस का केस जिंकम मेटेलिकम से ठीक किया था उस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बेसिस पे। नो वन, यस और नो, कम फास्ट। पर बैकेक के केस में तीन चीजें मिलेंगी, एक तो बैक को हाथ नहीं लगाने देता है, प्लस सिटिंग से एग्रावेशन है और वॉकिंग अबाउट से एमलेरेशन है। सो वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर सुधीर शर्मा, डॉक्टर दोरोथी, फिजिटी इन लेग्स और फिजिटी फीट, वेरी राइट। सो इफ दैट पेन, हमारे को उसके साथ में फिजिटी फीट मिल रही है, तो जिंकम मेटेलिकम इज द मेडिसिन। सो यहाँ पे रस्टॉक्स और जिंकम मेट में अपन सेम मॉडलिटीज पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ बैकएक, बट डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इस ये फिजिटी डिफरेंशिएट करेगी, एंड फर्स्ट चॉइस ऑलवेज इज द रस्टॉक्स, बिकॉज रस्टॉक्स मेडिसिन इज ऑल्सो अ गुड रिलीवर, मसल रिलैक्सेंट है रस्टॉक्स, मसल रिलैक्सेंट है। तो कई बार क्या होता है कि काम करते करते कमर अकड़ जाती है, तो उन केसेस में रस्टॉक्स अच्छा काम करती है। ओके, सो जिंकम मेटेलिकम जो केस में बता रहा था हमारे प्रोफेसर ने ठीक किया था एलर्जिक राइनाइटिस का, देयर एसोसिएटेड सिम्टम वाज फिजिटी फीट। सो वही बात है ना कि आपको अगर मेडिसिन के वो सिम्टम तो मिल रहे हैं जो डिजीज एसोसिएटेड है, बट उसके अलावा अगर आपको सिम्टम मिल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मेडिसिन के मिल रहे हैं, तो वो मेडिसिन जाएगी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ दी डिजीज। और डिजीज जानना क्यों जरूरी है, ये अपन स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, डिजीज जानना जरूरी है सो दैट हम बता सके पेशेंट को कि भैया आपको आराम दे सकते हैं, बट आप बोलो कि ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। रदर यूजिंग दैट पेन किलर्स विच आर डायरेक्टली अफेक्टिंग योर किडनीज, डायरेक्टली अफेक्टिंग योर लिवर, वी कैन गिव यू द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर योर बैकएक, फॉर योर डिजीज, एंड दैट इज बेस्ड ऑन दो सिम्टम्स। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड जुड़े रहिएगा अपने से, थोड़ा सा चेंज करेंगे सेशन देने में, सो विल अनाउंस दैट सून। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।